नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे कि कहानियाँ कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है और एक कहानी में कितनी बातें छिपी होती हैं, जो अक्सर हम जब कहानी सुनते हैं या कहानी को देखते हैं तो उस समय हमारे जहन में किस प्रकार वो चीज़ें उभर कर आती हैं। और दूसरी बात, किसी भी कहानी को आप जितनी बार सुनेंगे निश्चित तौर पर उतनी ही बार उस कहानी में आपको कुछ नयापन या नया सीखने को मिलेगा। वैसे आपने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, एक उसी में से एक कहानी का जिक्र मैं आपसे करने वाला हूं। आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी कि एक बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल में कई जानवर पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहा करता था अपनी गुफा में, और पूरे जंगल में उस शेर का बहुत बड़ा आतंक था। शेर होता भी खतरनाक है और उसको जंगल का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे बलवान और हिंसक जानवर होता है। यहां तक कि अपनी से भी उससे कई बड़े जानवर उससे भयभीत रहते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई जानवर है तो वो हाथी, और जब शेर हाथी पर आक्रमण करता है तो उसको भी शेर अपना शिकार बना लेता है। तो उस जंगल में कई प्राणी रहते थे, कई जीव जानवर रहते थे, उनमें हाथी भी था, उनमें लोमड़ी भी थी, उनमें बंदर भी था, खरगोश भी था, कछुआ था, हिरन था, सियार थे, ऐसे कई जानवर उस जंगल में रहते थे। परंतु उनमें एक भय जरूर था कि शेर न जाने कब हमको खा जाए या हमारे जीवन को समाप्त कर दे। ये डर, ये खौफ हमेशा उन्हें सताता था। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक मीटिंग का आयोजन किया। एक बहुत बड़े चौगान में सभी जानवर इकट्ठे हुए और आपस में इस बात पर विचार विमर्श करने लग गए कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम इस शेर की जो रोज का जो ये डर और रोज का जो भय है हमारे जीवन पर, जो आफत बन के आई है, इसको हम दूर कर पाए। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। हाथी दादा ने अपने विचार रखे, खरगोश ने अपनी बात कही, लोमड़ी ने अपनी चतुराई भरी बातें वहां सबको शेयर की, और सब अंत में एक ही निर्णय पर पहुंचे कि क्यों ना रोज का जो मृत्यु का हमको भय है और एक न एक दिन तो सबको मरना ही है, तो क्यों ना हम जंगल के जो राजा हैं, जो शेर है, उसको हम ये इत्तला दे या ये बता दे कि तू रोज हमारा शिकार करता है, क्यों ना हम ऐसा करें कि प्रतिदिन हम में से एक एक जानवर तय कर लें कि भाई आज आपको
इसका शिकार करना है, आज आपको इस जानवर का शिकार करना है, हम स्वयं चल के आपकी गुफा में आ जाएंगे और आप वहीं हमारा हमें भोजन के रूप में स्वीकार कर लेना, हमें खा लेना। तो निश्चित तौर पर ये बात जंगल के राजा शेर तक पहुंची। तो शेर ने तो और अच्छा अपने आप को ये महसूस किया कि जब मुझे अपनी मांद से, अपनी गुफा से बाहर ही नहीं जाना पड़ेगा और शिकार खुद ब खुद मेरे गुफा तक चल के आएगा, तो मुझे इससे क्या हर्ज हो सकता है। जानवरों की शर्त को उस शेर ने मंजूर कर लिया। अब एक एक करके दिन आता गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो एक एक करके जानवर स्वयं उसके भय से, शेर के भय से, उसके डर से अपने आप को उस जंगल के राजा को सुपुर्द करते गए। करते करते कई जानवर शेर का शिकार हो गए। हाथी शेर का शिकार हो गया, लोमड़ी शेर का शिकार हो गई, हिरण शेर का शिकार हो गया, बंदर शेर का शिकार हो गया। धीरे धीरे करते करते जंगल के सारे जानवरों का भक्षण उस शेर ने कर लिया। अंत में बारी आती है खरगोश की। बड़ा भयभीत, बड़ा डरा हुआ, बड़ा सहमा हुआ, उसको एक ही आस थी, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं, पर करे तो क्या करे। ठीक है, बारी आई खरगोश की, चल पड़ा, पर किसी न किसी जुगत में, किसी न किसी विचार में, किसी न किसी सोच में वो डूबा रहता कि मैं कैसे अपने आप को बचा पाऊं। रास्ते में चलते चलते एक कुआं पड़ा, उसने कुएं की तरफ अंदर की ओर झांका तो उसे अपनी परछाई कुएं के अंदर दिखाई दी। वहीं से उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं, मुझे मेरी परछाई उस पानी के अंदर दिख रही है, ऐसी कोई युक्ति, ऐसा कोई उपाय सोचूं जिससे मैं बच पाऊं। इधर शेर भूखा था, प्रतिदिन की भांति शिकार की प्रतीक्षा में था और खरगोश की बारी थी, तो उसने इंतजार करते करते वो क्रोधित हो उठा और भूख से व्यथित था, आते सिकुड़ गई थी, क्रोध उसके चरम पर था कि कब वो खरगोश आए और मैं जल्दी से उसका शिकार करूं। डरा सहमा सहमा दिमाग में कोई ना कोई विचार करता हुआ खरगोश शेर की गुफा तक पहुंचता है। शेर उसको देखकर जोर से झल्ला कर चिल्लाता है कि अरे खरगोश, आज तूने इतनी देर लगा दी, पता नहीं कि मुझे बहुत बड़ी जोरों से भूख लग रही है, अभी बताता हूं तुझे, अभी खाता हूं मैं तुझे, जल्दी से मेरे पास आ। खरगोश हाथ जोड़कर उस शेर से अनुनय विनय करता है कि हे जंगल के राजा, मैं तो आपके पास बहुत जल्दी ही आने वाला था, और मैं क्या, मेरे साथ में दो तीन खरगोश और थे, उनको भी मैं आपके लिए लाने वाला था, पर वो तो रास्ते में क्या हुआ कि एक और शेर मुझे मिल गया और उसने मुझे डराया कि जंगल का राजा मैं हूं और कोई नहीं, और वो मुझे खाने चाहता था, इसलिए मैं उससे बच के भाग के आया, इससे मुझे राजन देर हो गई। शेर का क्रोध और उग्र हो चुका था जब उसने जैसे ही जंगल में अन्य किसी राजा और किसी शेर की बात सुनी, तो उसमें ईर्ष्या और वैमनस्य का भाव जागृत हो गया। क्रोध उसके परवान पर चढ़ गया, उससे उस दूसरे जंगल के राजा शेर की बात सुनकर उससे ईर्ष्या होने लगी कि इस जंगल में मैं ही राजा हूं, इस जंगल में और कोई राजा कैसे हो सकता है। इंसान में जब ईर्ष्या हो जाती है तो वो सब कुछ भूल जाता है। शेर ने जोर से कहा, अच्छा ऐसी बात है तो बता मुझे कि कौन वो जंगल का राजा है
मुझे दिखा। चलिए महाराज, खरगोश आगे आगे, जंगल का राजा शेर पीछे पीछे, बड़ा उद्विग्न होकर वो उसके पीछे पीछे चलता है। कछुआ क्षमा करें, खरगोश उसको वहाँ पर लेके जाता है और बताता है कि ये उस दूसरे जंगल के राजा शेर का घर है, आप स्वयं देख लें। जैसे ही शेर उस कुएं की चार दीवारी पर खड़ा होता है और अंदर की तरफ झांकता है, उसे अंदर वाकई में एक और शेर दृश्य दिखाई देता है जो उसकी परछाई होती है। उसको देखकर शेर जोर से दहाड़ता है तो अंदर उसी की आवाज़ गूंज कर वापिस उसके कानों में पड़ती है और उसकी परछाई में भी एक दहाड़ता हुआ शेर नजर आता है। शेर उस दूसरे परछाई वाले शेर को मारने के लिए जोर से अंदर छलांग लगाता है और अंदर डूब कर मर जाता है। दोस्तों, खरगोश खुशी से नाच उठता है और बड़ा खुश होता है। तो कहानी तो यहीं समाप्त हो जाती है दोस्तों, पर चिंतन यहाँ से शुरू होता है। यही सबसे बड़ी बात है कि कहानी समाप्त होते होते एक कोई प्रश्न या एक बहुत बड़ी बात हमारे जहन में छोड़ के चली जाती है। आपने देखा इस कहानी में कि कई प्राणी थे उस जंगल में, वहाँ चालाक लोमड़ी भी थी और विशालकाय हाथी भी था, वहाँ बंदर भी था जिसको शाखा मृग भी कहते हैं, जो पेड़ों पर कूद सकता है, उछल सकता है, भाग सकता है। परंतु इतने कई बड़े बड़े जानवर होने के बावजूद भी किसी ने अपनी जान बचाने के लिए किसी प्रकार की कोई कोशिश और प्रयास नहीं किया। और दूसरी ओर खरगोश सभी प्राणियों में सबसे छोटा प्राणी था। देखिए आप, हाथी कितना विशाल, कई खरगोशों को एक साथ समाहित कर लें तब भी एक बड़े हाथी को नहीं बनाया जा सकता। सबसे छोटा प्राणी, दीन, दुर्बल, अक्षम, उस प्राणी ने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए न केवल पूरे जंगल को उस शेर के आक्रांत से या भय से मुक्ति दिलाई, अपितु अन्य जो प्राणी थे उनकी भी जीव रक्षा की या उनको भी जंगल में निर्भय होकर विचरण करने का सुलभ उपलब्ध कराया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि छोटा व्यक्ति भी किसी कोशिश, किसी विचार को लेकर आगे बढ़े तो परिवर्तन लाया जा सकता है, जाने बचाई जा सकती है, अपनी जान को बचा सकती है। दूसरी ओर आप देखिए, खरगोश के पास समय ज्यादा नहीं था, उसकी मृत्यु निश्चित थी, उसको मरना ही था, शेर का भक्षण उसको शिकार होना ही था। पर अंतिम समय तक खरगोश ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा, वो विवेक शून्य नहीं हुआ। इसलिए दुनिया में विपत्तियां तो बहुत आती है, परंतु इंसान को कभी भी अपने हथियार नहीं डालने चाहिए। उसे अंतिम समय तक अपनी कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है कि उसकी एक कोशिश उसे कामयाब बना दे। तीसरी बात उस शेर की, जो इतना बलशाली था, इतना खूंखार था, फिर भी जैसे ही उसने एक अन्य किसी राजा की बात सुनी, उसके मन मस्तिष्क में, उसके जहन में जो ईर्ष्या का भाव था, जो क्रोध का भाव था, जो अन्य किसी को अपने समतुल्य नहीं देखने की जो भावना थी, जो वैमनस्य उसके जहन में आया, उसने उस जंगल के राजा शेर की सारी भूख को एक तरफ रख दिया। वो भूल गया कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं और मुझे भूख लग रही है और शिकार मेरे सामने है। सामने भोजन की थाली होने के बावजूद भी इंसान जब ईर्ष्या और वैमनस्य के भाव में डूब जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वो क्रोध, ईर्ष्या और वैमनस्य में अंधा हो जाता है और उसका विवेक नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में देखा आपने कि किस प्रकार के इतनी बड़ी बड़ी बातें इस कहानी में छिपी हुई थी।
तो निश्चित तौर पर कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों ने मुझे सुना, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही मैं इस स्कूल परिवार का शुक्रगुजार हूँ कि इस विद्यालय परिवार ने मुझे यह आमंत्रित किया और इन बच्चों से रूबरू होने के लिए मुझे ये मौका मिला। एक बार पुनः आपका सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। हार्दिक आभार।